सबसे पहले फोर्स से स्टार्ट करते हैं। फोर्स में मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी सबको मालूम है। नेक्स्ट फोर्स का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाय डीटी, ये भी सबको मालूम है। एवरेज फोर्स निकालनी है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये भी सबको मालूम है। नेक्स्ट है इसके बाद जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ सबको पता है क्या होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन ने ये कहा था कि दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, पहला इनर्शियल दूसरा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम क्या है, अगर आपके पास एक ट्रेन या कार है और वो रेस्ट या लिफ्ट है, वो रेस्ट पे है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो अगर आपकी कोई कार या ट्रेन रेस्ट पे है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है सच दैट उसकी एक्सलेशन जीरो है, तो इनर्शियल फ्रेम है। और अगर कोई भी कार या ट्रेन या लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है तो वो कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सिंपल, एक्सलेशन है नॉन इनर्शियल है, एक्सलेशन नहीं है तो इनर्शियल है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, आपके पास एक ट्रेन है, इस ट्रेन में ब्लॉक पड़ा है 1 kg और आप फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन। क्वेश्चन है इसकी एक्सलेशन बताओ क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है तो फ्रेम क्या है, इनर्शियल। तो न्यूटन ने यह कहा कि अगर फ्रेम इनर्शियल है तो आप मेरा लॉ लगा सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज मास इनटू एक्सलेशन। और अगर नॉन इनर्शियल है तो उसमें थोड़ा सोच के लगाना पड़ेगा, उसमें नहीं चलेगा, मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो इसमें तो इनर्शियल है, प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। तो आप इसमें 20 × 1 × a करेंगे, आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट माना जाएगा। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ट्रेन की तो एक्सलेशन ट्रेन की जीरो है, तो उसमें भी अगर आप फोर्सेस मास इनटू एक्सलेशन लगाएंगे तो भी करेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन एक्सलरेट कर रही है, अब आप फोर्सेस मास इनटू एक्सलेशन लगाएं, आपका आंसर सही नहीं आएगा। आप जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन एक्सलरेट कर रही है तो आपका सामान पीछे खिसकता हुआ आ जाता है, कोई फोर्स तो ना लगाता है। तो क्योंकि एक्सलरेटेड ट्रेन्स एक्सलरेटेड फ्रेम्स बॉडी पे क्या लगाती हैं, एक फोर्स जो दिखाई नहीं देती तो, और रियल भी नहीं है, असली में लगाई नहीं किसी ने, तो उनका फोर्स का नाम क्या होता है, सूडो फोर्स। तो न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ट्रेन या कार या लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है, आप मेरा लॉ लगाना चाहते हैं, तो लॉ लगाने से पहले सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी आपको, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे लेते हैं, सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ट्रेन की एक्सलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। अगर ट्रेन आगे एक्सलरेट कर रही है तो ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स पीछे लगेगा। तो ब्लॉक का मास कितना है, 1 kg, ब्लॉक की एक्सलेशन कितनी है, 1। तो ब्लॉक का मास इंटू ट्रेन की एक्सलेशन, 1 न्यूटन सूडो फोर्स लगेगी। तो न्यूटन ने कहा कि क्योंकि नॉन इनर्शियल था, आपने सूडो फोर्स ले ली 1 न्यूटन, हाँ अब आप मेरा फॉर्मूला लगाएं, सही आंसर आएगा। तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस किया, नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सलेशन, अब आंसर सही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सूडो फोर्स का। तो जब कोई ट्रेन कार लिफ्ट एक्सलरेट कर रही होती है तो उनके अंदर जो बॉडीज हैं उनके ऊपर क्या लगती है, सूडो फोर्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कनेक्टेड मोशन में अगर दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग के साथ, आप इन्हें पुल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ मान लो 10 न्यूटन और इसके एक्सलेशन और टेंशन निकालनी है, रस्सी में टेंशन आ जाएगी TNT। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन। इसके लिए T=5 × एक्सलरेशन, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके TNA कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से मान लो अगर आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं, सेम क्वेश्चन है, तो इस रस्सी और इस रस्सी में टेंशन डिफर करेगी, T1 T1 T2 T2, बाकी सही है। 100 − T1 = 2 × a, T1 − T2 = 5 × a, T2 = 1 × a, सॉल्व करके T1 T2 a कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से कनेक्टेड मोशन में पुली भी आती है, तो 5 kg 7 kg, तो मास 7g 5g TNT, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फोर्स क्या बनेगी, 7g − T 7a, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो T − 5g = 5a, सॉल्व करके आंसर निकाल लो। या बेस्ट तरीका है आप M1 M2 ले लो, M2 मान लो भारी है, M1 हल्का है, तो नेट वेट क्या है इसका, M2g और इसका M1g, तो नेट वेट क्या है, M2g − M1g, तो नेट फोर्स आ गई। नेट फोर्स को टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सलेशन आ जाएगी, टोटल मास सिस्टम का कितना है, M1 + M2, तो एक्सलेशन क्या आएगी, M2g − M1g / M1 + M2, फॉर्मूला याद कर लो। और अगर ऐसी सॉल्व करके टेंशन निकालनी है तो टेंशन का फॉर्मूला है 2M1 M2g / M1 + M2, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं इसमें,
टेंशन निकालने का और एक्सलेशन निकालने का। अब यहाँ पर जो ये जो रस्सी होती है, यहाँ पर जो टेंशन होती है वो नीचे की टेंशन से हमेशा डबल होती है, तो अगर यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ पर टेंशन हमेशा टूटी होगी। इसको बोलते हैं थ्रस्ट ऑन पुली, फोर्स ऑन पुली, थ्रस्ट ऑन पुली। तो अगर टी की इतनी वैल्यू है तो थ्रस्ट ऑन पुली टूटी क्या होगा, इसको डबल कर दो आंसर, तो ये थ्रस्ट ऑन पुली का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे सपोज करो इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है स्पेशली मेडिकल के अंदर, वो क्या करते हैं दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स में M1G M2G ठीक है, और सिस्टम मान लो ये ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे अपॉन टोटल मास, आंसर आ गया डन। अभी हमने किया, लेकिन वो कहते हैं एक और केस लो जिसमें ब्लॉक एक है M2, यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं M1G, ब्लॉक नहीं है फोर्स तो ये भी M1G लगा रहा है, पर यहाँ पर ब्लॉक के साथ नहीं, यहाँ पर हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे केस में नेट फोर्स क्या होगी M2G माइनस M1G। लेकिन जब मास से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ M2 से करेंगे क्योंकि M1 मास तो वहां पर प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो ध्यान रखना अगर दो ब्लॉक्स हैं तो दोनों का मास, अगर एक ब्लॉक है तो सिर्फ एक का मास, तो ये याद रखना। नेक्स्ट जो है कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर दो बॉक्सेस आपस में कॉन्टैक्ट में है, मैं 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो ये इसको और ये इसको अंदर ही अंदर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स निकालनी है। तो 10 kg ने 5 kg को पुश किया F, तो बदले में बाय रिएक्शन इसने उल्टी फोर्स लगाई F, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 10 kg के राइट की तरफ 100 और लेफ्ट की तरफ F, 5 kg के राइट की तरफ F, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगी 100 माइनस F इज 10 इंटू A, और यहाँ पर क्या होगी F इज इक्वल टू 5 इंटू A, सॉल्व करके F निकाल लेना। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, तीन ब्लॉक्स हैं, इसने इसके ऊपर F डैश तो F डैश, F तो F, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, 5 kg के राइट की तरफ 100 है और लेफ्ट की तरफ F डैश है, 2 kg के राइट की तरफ F डैश है, लेफ्ट की तरफ F है, और 1 kg के राइट की तरफ F है, तो लगा लो इक्वेशन, बड़ी में से छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ी में से छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकाल लेना जो पूछा है। उसी तरीके से जब हम ये स्ट्रिंग लेते हैं, ये स्ट्रिंग का मास नहीं लेते, तो यहाँ टेंशन टी एन टी है और ये रेस्ट पे है, तो अगर कोई पूछे यहाँ टेंशन कितनी है, आप कहेंगे इसका वेट 5G, जो भी वेट है 5G, आंसर आ गया डन। पर अगर रस्सी का मास है और आपसे कोई यहाँ टेंशन पूछ ले, तो रस्सी का जो टोटल मास है वो 10 kg है और रस्सी की लेंथ टोटल 10 मीटर है, आपसे यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है टेंशन कितनी है, यहाँ पर टेंशन जो होगी वो रस्सी का वेट प्लस 5 kg वेट के इक्वल होगा। आप रस्सी जो 8 मीटर की रस्सी है इसका वेट निकाल लें, तो अगर रस्सी 10 मीटर की है तो मास 10 केजी है, 1 है तो 10 बाय 10 है, और अगर 8 मीटर है तो 8 केजी है, तो 8 किलो की रस्सी है, 5 किलो का ब्लॉक है, तो टेंशन क्या होगी, टोटल वेट 8 प्लस 5 कितना 13 जी इज द आंसर। तो अगर रस्सी का वेट ना हो ये नहीं लेना फिर, तो आंसर सिर्फ 5G, और अगर रस्सी का वेट है तो रस्सी का वेट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद इंक्लाइन प्लेन आपको याद होगा 5 और 7, तो 7G टेंशन TNT, और इसके अंदर 5G का ये 5G 30, 5G cos 30, 5G sin 30, ये नीचे आ रहा है तो 7G माइनस T इज 7A, ये ऊपर जा रहा है तो T माइनस 5G sin 30 इज 5A, सॉल्व कर लेना साइमल्टेनियसली, A एंड T कैन बी कैलकुलेटेड। फिर आपके लिफ्ट के 3 केस हैं, फॉर्मूला याद करेंगे, लिफ्ट में अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो रेस्ट पे है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है एपरेंट वेट, उसका एपरेंट वेट या नॉर्मल रिएक्शन क्या है MG। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा N इज इक्वल टू M इंटू G प्लस A, और अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट क्या होगा M इंटू G माइनस A। फॉर्मूला याद करना, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है यहाँ तक, तो ये याद रखना रिजल्ट्स, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना आपने इसमें, मींस आप अपने लेवल पे जो मर्जी पढ़ते रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे सपोज करो एक मान लो बैलून है या रॉकेट है, गैस नीचे निकल रही है तो बैलून या रॉकेट ऊपर जा रहा है, नॉर्मली जब आप फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं MV लिखते हैं मोमेंटम में, तो मास हमेशा सॉलिड बॉडीज का कॉन्स्टेंट होता है और dV/dt A होता है M into A, पर जब लिक्विड और सॉलिड के क्वेश्चन आते हैं उसमें मास हमेशा चेंज होता है और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे इसमें से हवा निकल रही है, गैस निकल रही है, dm/dt दे रहा है, इतना रेट ऑफ चेंज है मास का,
और कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रही है, फोर्स बताओ बैलून पे क्या है, तो फोर्स क्या होगी डीपी बाई डी टी? पानी में और गैस के केस में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, और डीएम बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक उसी तरीके से अगर पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और वी वेलोसिटी से निकल रहा है, दीवार पे फोर्स क्या लगी पानी ने लगाई वो बताओ। तो रूल वही है, रूल वही है, डीएम बाई डी टी डीपी बाई डी टी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पानी की कॉन्स्टेंट है। अब पानी बाहर निकल रहा है, मास निकल रहा है पर यूनिट टाइम, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की थी बर्नौली थ्योरम में A1 V1 A2 V2, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, फोर्स आ जाएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप की प्रॉब्लम इसमें आ सकती हैं। जब स्प्रिंग स्टेडी होती हैं तो टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनाने होते हैं, ये थीटा, तो ये थीटा टेंशन का पहला कॉम्पोनेंट, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, वेट 15 g और 100 N, क्योंकि बॉब इक्विलिब्रियम में है तो 100 इज इक्वल टू टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 g, आंसर आ जाएगा। ठीक तो ये कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना है इसमें। मूविंग पुली, मूविंग पुली पे अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है एक, इसमें कुछ नहीं करना, सीधा रिजल्ट याद करने हैं। क्या रिजल्ट है, सपोज करो आपके पास ये एक ब्लॉक है जो ऊपर आ रहा है, ये पुली फिक्स है, खड़ी खड़ी घूम रही है, ये पुली घूम भी रही है और ऊपर नीचे भी आ रही है, ऊपर नीचे भी आ रही है, घूम घूम के ऊपर नीचे जा सकती है। तो ये एक रस्सी है जो यहां से यहां जा रही है, एक रस्सी में एक ही टेंशन है, तो देखो TNT TNT TNT, पर यहां रस्सी चेंज हो गई, पुली के नीचे वाले हिस्से में टेंशन डबल हो जाती है, करवाया था थ्रस्ट ऑन दी पुली, तो अगर ये टी और टी है तो यहां पर टूटी टूटी है। तो मूविंग पुली, जब पुली मूव करती है तो अगर इसकी एक्सेलेरेशन ए है और टेंशन टी है इस रस्सी की, जहां टेंशन डबल होती है वहां एक्सेलेरेशन हाफ होती है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसकी एक्सेलेरेशन ए है तो इसकी एक्सेलेरेशन ए बाई टू है, मतलब जहां टेंशन डबल है उस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन आपने यहां से हाफ कर देनी है। तो बस इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस 10 g साइन 30 इज 10 a, और इसके लिए क्या बनेगी 20 g माइनस 2 t इज 20 into a/2, सॉल्व करके टी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। बस ये याद रखना ट्रिक, और इसमें कुछ नहीं करना आपने, इसमें कोई बंदर बुंदर वाले क्वेश्चन कुछ नहीं आते इसमें, मैंने देखा है, करते तो बहुत है, मंकी ऊपर चढ़ गया, मंकी नीचे उतर गया, आना कुछ नहीं है, आना क्या है अभी दिखाता हूं क्या आना है। यहां तक क्लियर है? ठीक, अगली शीट कनेक्टेड मोशन की है, ये नहीं है, रिपीट है, ये नहीं करनी हमने, डेरिवेशन हमने करनी नहीं है शीट्स में, बस ये पता होना चाहिए इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, यानी कि इंपल्स, ये याद रखना, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा पेपर में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं करती तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गन है और एक बुलेट है, बुलेट अभी रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है, गोली चल पड़ी तो गन पीछे आ गई, तो बुलेट की वेलोसिटी V1 तो गन की V2, तो इसके में क्या करते हैं, गोली चलने से पहले गन और बुलेट का मोमेंटम जीरो था, गोली चली तो गोली ने मोमेंटम क्या जनरेट किया M1 V1, तो गन को करना पड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में -M2 V2, ताकि इनका प्रोडक्ट आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या दे जीरो, तो रिजल्ट क्या आ गया M1 V1 is M2 V2। उसी तरीके से अगर एक बॉम्ब या कोई न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाए, तो दो हिस्सों में टूटेगा तो क्या होगा, तो इसमें एक टुकड़ा आगे जाएगा तो एक टुकड़ा पीछे आएगा, तो क्या लगेगा इसमें M1 V1 is M2 V2। क्लियर है यहां तक? अगर कोई बॉम्ब तीन हिस्सों में टूटे तो एक इधर गया एक इधर गया, तो तीसरे को इधर जाना ही पड़ेगा, रीजन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ M1 V1 square plus M2 V2 square, तो तीसरे को यहां आना ही पड़ेगा, रीजन क्योंकि जब बॉम्ब रेस्ट पे था मोमेंटम जीरो था, दो पार्टिकल ने इतना मोमेंटम जनरेट किया तो तीसरे को ऑपोजिट करना ही पड़ेगा ताकि ये और ये कैंसिल होकर आंसर क्या दे, तो ऐसे लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर मान लो दो बॉल्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो M1 U1 plus M2 U2 is M1 V1 plus M2 V2, कोलिजन के अंदर ही मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, ये कोलिजन में करेंगे, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही करेंगे इसके बेस पे, ये देखो इसके बेस पे पहला क्वेश्चन,
लाइव क्वेश्चन है भाई, अब शुरू करो, बहुत थ्योरियां सुन ली। देखो, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg, ठीक है, दे दिया। कैलकुलेट एट व्हाट रेट फ्यूल शुड बी बर्न्ड, क्या निकालना है, डीएम बाय डीटी, केजी पर सेकंड फ्यूल शुड बी बर्न्ड, सो दैट रॉकेट इज गिवन एन एक्सेलेरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। रॉकेट उड़ रहा है विद सम एक्सेलेरेशन, गैसेस कम आउट एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 500, गैस की स्पीड गिवन है। ये तो वैसी फीलिंग आ रही है जैसे बैलून उड़ रहा है और उसमें से गैस निकल रही है। फोर्स क्या होता है, डीपी बाय डीटी। तो हमने अभी किया कि फोर्स क्या होता है, यू इंटू डी एम बाई डी टी, वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज होता है, ये फोर्स है। तो अगर ये एक्सेलरेट ना कर रहा होता ना रॉकेट, तो मैं बताऊं क्या करता, नेट फोर्स क्या है, यही नेट फोर्स है। प्रॉब्लम क्या है, उसने क्या दी, ये एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स जो ऊपर की होगी उसको कौन अपोज कर रहा है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बड़ी फोर्स That is F minus mg is ma। देखो अगर ये रॉकेट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता, बात ही खत्म थी, F is equal to mg। पर इसमें क्या हुआ, वो एक्सलरेट कर रहा है, तो F minus mg is equal to ma, तो F is equal to mg plus ma। अब इसमें u, इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना क्या है, dm by dt, ये निकालना है। u गिवन है, m गिवन है, g गिवन है, a गिवन है, सॉल्व कर लें, dm by dt आ जाएगा। क्वेश्चन तो बैलून वाला ही है, थोड़ा सा बस क्या कर दिया उसने, मॉडिफाई कर दिया, ठीक। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। जैसे मूविंग पुली की प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस की, पूछ ली उसने दो बॉक्सेस हैं 2 और 8 kg के कनेक्टेड हैं और ये पुली मूव कर सकती है ऊपर नीचे, तो आपको बताना है कि टाइम टेकन बाय 8 kg मास की वो जमीन पे कब टक्कर मारेगा। तो रूल नंबर वन, आप यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, पहले टेंशन टी 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 टी, लेकिन यहां पर टेंशन 2T एंड 2T सिखाया था। तो जहां टेंशन डबल वहां एक्सेलरेशन हाफ। तो पहली इक्वेशन इसके लिए टी माइनस 2G is 2A, दूसरी क्वेश्चन ये नीचे आ रहा है तो क्या लगेगी, 8G minus 2T is 8 into A by 2, सही बोल रहा हूं। तो इसके लिए 8G minus 2T is 8 into A by 2, इसके लिए T minus 2G is 2A, सॉल्व करो, A और T निकाल लो, A और T आ गया। तो अब इसका टाइम निकालना है, तो इस ब्लॉक के लिए S UT प्लस हाफ, इनिशियली ये रेस्ट पे था तो ये 20 सेंटीमीटर नीचे आने वाला है, हाफ एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे
और टाइम आपको निकालना है आंसर। एक्सेलरेशन इक्वेशन से निकलेगी आंसर। मेथड समझ में आ रहा है? तो कैसे मूविंग पुली को यूज किया, ठीक? क्वेश्चन याद कैसे करके जाओगे शीट्स के, ये बताओ कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर याद रखना। नेक्स्ट ये करते हैं पहले, ये लो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ फैक्टर गिवन है, मास गिवन है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इट्स पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड इज इक्वल टू व्हाट। तो आर वेक्टर निकालना है। मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, वैसे तो आसान तरीका लगाते हैं। एस वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। हाफ एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स वेक्टर 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप अपॉन मास कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। निकाल लेना आंसर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, सही है? अच्छा क्वेश्चन तो आसान भी आते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ऐसे उल्टे सीधे आएंगे, क्या पता तुम्हारी किस्मत में आ जाए यार, क्या दिक्कत है। ये देखो ओनली फॉर नॉन मेडिकल है, दो लाइन का काम ये भी। क्वेश्चन है पार्टिकल जिसका मास m सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, ये फोर्स लगाई, ये फोर्स में कैपिटल टी कांस्टेंट है, एफ नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल टी वेरिएबल है, टाइम वेरिंग फोर्स लगाई। आगे द फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर टाइम इंटरवल 2t, फोर्स एक्ट करती है 2t, तो वेलोसिटी बताओ क्या होगी पार्टिकल की आफ्टर सम टाइम। तो मुझे एक चीज बताओ, इस फोर्स को मास से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इस फोर्स को पहले एफ नॉट को मल्टीप्लाई किया इसने और फिर मास से डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गई, एक्सेलरेशन, पूरी की पूरी एक्सेलरेशन आ गई। नॉन मेडिकल को समझ में आ रहा है? और एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाय डीटी। अब नॉन मेडिकल वालों को पता है डीटी इस तरफ और डीवी एक तरफ, लगाओ लिमिट 0 से 2t तक वेलोसिटी आएगी। अब लगाना इंटीग्रेशन के स्किल्स जो आप सीख के आए हो नॉन मेडिकल से, मेडिकल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन कर लोगे आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ये लो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों आंसर।
दो ब्लॉक्स हैं, कितनों का आंसर आया इसमें? इसका मास एम है, इसका मास एम है, वो कह रहा है इसकी एक्सलेशन स्मॉल ए है, इसकी एक्सलेशन क्या होगी ये बताओ। जब आप इसे खींचेंगे तो यहां पर क्या जाएगी, टेंशन टी एंड टी। तो जब ये इधर मूव करेगा तो पहली इक्वेशन एफ माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, इक्वेशन नंबर वन, और इसके लिए टी इज इक्वल टू मास इंटू स्मॉल एक्सलेशन, इक्वेशन नंबर टू। इसको यहां पुट कर दो, निकाल लो कैपिटल ए, निकालना आंसर खत्म। ठीक, तो आंसर आएगा इसमें, लो ओनली फॉर नॉन मेडिकल अगेन, आंसर इसका, आंसर इसका है एफ बाय एम माइनस ए, कुछ ऐसा। एफ बाय एम माइनस ए का मतलब एफ बाय एम माइनस ये डी, डी ओनली फॉर नॉन मेडिकल ओनली, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के स्किल दिखाएंगे इसमें फिर से आपको। भाई मैथ्स में किया है तो दिखाना पड़ेगा ही। देखो पहली लाइन फिजिक्स वालों की है, बाकी सब मैथ्स वालों की है। इसमें स्मॉल बॉल ऑफ मास m, ध्यान आगे, एक बॉल है जिसका मास छोटा m है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u फ्रॉम द ग्राउंड। बॉल एक्सपीरियंस अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ, आपको के काइनेमेटिक्स लगा दो आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेरिएबल फोर्स है। तो आपको बताना है मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव हुई इस बॉल ने, कितनी अचीव की। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें नेट फोर्स इज इक्वल टू, बॉल ऊपर जा रही है तो इसमें दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं डाउनवर्ड, एक बॉल का वेट mg नीचे ऐड कर रहे हैं, और एक रेजिस्टिव फोर्स भी कितनी है mk इनटू v का, ये भी नीचे ऐड कर रहे हैं, दोनों अपोजिंग फोर्स है। तो ma इज इक्वल टू माइनस mg प्लस mk v स्क्वायर। आपको अब क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है दी मैक्सिमम हाइट अटेंड। अब रूल वही है, आपको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv by dt इज इक्वल टू माइनस एम जी प्लस के इंटू वी का स्क्वायर, लिख लिया। अब ये एक काम करेंगे, इसमें dv by dt को dt चाहिए ही नहीं, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से dx by dt क्या होती है, वेलोसिटी v, तो क्या बनेगा m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम जी प्लस के इंटू वी का स्क्वायर, ये बन गया। और लास्ट स्टेप नॉन मेडिकल वालों को पता है, ये पूरी टर्म में वी आर है, ये डी वी है, तो वी वाली टर्म्स एक तरफ, डी एक्स वाली टर्म्स इंटीग्रेट कर दें, अपने आप एक्स आ जाएगा आंसर, लगाते रहना इंटीग्रेशन बैठ के अब। ठीक है, तो ये देखो ये इंटीग्रेशन कर रहा है पूरा, निकालते हो अब मैथ वाले को जान पता है, मैथ वाले कर लेंगे इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्या कह रहा था, फोर्स की जितनी मर्जी ट्राई कर लो, होना है तो हो ही जाना है, नहीं होना तो ऐसा है। लेकिन अगर आप यही एफर्ट थर्मो में, ग्रेविटेशन में, रोटेशन में, एसएचएम वेव में लगाओगे तो वो होना ही होना है। SHM वेव कभी भी धोखा नहीं देगा, चैप्टर ऐसा है, वो आपका क्वेश्चन पक्का ठीक होगा उसमें से। ठीक, तो इसलिए मैंने फोर्स पर बहुत ज़्यादा नहीं है, इजी है ये, मैंने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं मुश्किल लिए हुए हैं, आसान तो मैंने लिए ही नहीं इसमें आज, बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको इससे आसान ही मिलेंगे। मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ मुझे पता है जो डाउट की फॉर्म में आने वाले हैं, तो मैं जान जान के क्वेश्चन ही वो करवा रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मिड रेंज है। मैंने इससे ऊपर की रेंज भी छोड़ दी, इसके नीचे वेरी इजी रेंज भी छोड़ी हुई है, मैं मिड में चल रहा हूँ। ठीक है ना, इजी आप कर लोगे अज्यूम्ड, मिड में करवा दूंगा, मुश्किल अपनी अपनी चॉइस है, तुम देख लेना कैसे करना है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि स्पेसशिप इन अ स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटर प्लैनेटरी डस्ट, एज अ रिजल्ट द मास इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ गिवन। तो नॉन मेडिकल वालों के लिए भी प्लीज, आप सोचेंगे मेडिकल वालों का कब आएगा, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन हैं उसके बाद बाकी सेगमेंट सही है। सिर्फ फोर्स के अंदर प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन कॉमन है, मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों में कॉमन है, सर्कुलर भी दोनों में कॉमन है, ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ फोर्स और काइनेमेटिक्स दो चैप्टर में आती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेडिकल वालों को बहुत इजी बेसिक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, इजी है। तो इसके अंदर मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी। अब फोर्स क्या होती है, डी पी बाई डी टी, पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी।
अब प्रॉब्लम यह है इसमें मास भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, एक बार मास बाहर एक बार वेलोसिटी बाहर, लग गया फॉर्मूला। जो इंटरस्टीलर स्पेस होते हैं उसमें नेट फोर्स जीरो होती है, अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं, प्लैनेट तो कोई है ही नहीं, वहां पर कोई अट्रैक्शन है नहीं, बहुत दूर है वो स्पेस, तो एफ को क्या करना होता है इसमें, जीरो। तो जीरो करके एम जो dm बाई डी टी वो क्वेश्चन में गिवन है, वी क्यूब, ये देखो ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, तो ये आपके पास सॉल्व करके क्या आएगा, m इंटू dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी क्या होती है, एक्सलेशन। वो फिर मैथ्स लगा लेना, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा। ये दो तीन क्वेश्चन ही थे जिसमें ज़्यादा कैलकुलस यूज है, वैसे है नहीं इतने, वैसे अब नॉर्मल है। अब मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए कॉमन चलेंगे, तो कुछ क्वेश्चन मेडिकल के भी होंगे, कुछ नॉन मेडिकल के भी कॉमन चलेंगे और नॉर्मल चलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एप्लीकेशंस, इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो